यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी ने अशोक कश्यप को चुनावी रण में उतारा है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कश्यप ने टिकट मिलने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण ने मुझ पर भरोसा किया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि कश्यप समाज मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा है। डॉक्टर अशोक कश्यप ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों ही पार्टी ने विधानसभा के लोगों की अनदेखी की है। डॉक्टर अशोक कश्यप ने आगे क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। यहाँ से जो टिकट है मेरी, चंद्रशेखर भाई ने पहले ही क्लियर कर दी थी, लेकिन अब टिकट यहाँ पे क्लियर हो गई है। चंद्रशेखर भाई ने पिछड़े समाज पे हमारे ऊपर पहली बार यहाँ से किसी को टिकट दी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आने वाले टाइम में जगाधरी विधानसभा में लोगों को जो भी दिक्कतें हैं उनका पूरा विधानसभा में जाके उठाने का काम करूँगा। मैं लोगों के बीच पिछले 3 महीने से लगातार जा रहा हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं, और मेरा मेन मकसद जो है राजनीति में आने का, यहाँ के जो बच्चे हैं नशे में बहुत ज़्यादा हिल गए हैं या उनको हिला दिया गया है, और उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। किसी किसी के पास एक एक बच्चा है, और कई बच्चों की तो जान भी चली गई है नशे के कारण। और मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि मैं नशे को जड़ से ख़त्म करूँगा यहाँ पे कोई स्कीम बना के, और जो ये नशा बेच रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले टाइम में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोज़गार यहाँ पे नहीं है उसके ऊपर पूरा फोकस दिया जाएगा। मेरा मकसद यही रहेगा कि जो भी गांव हैं आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में औरतों और जो भी हमारे युवा लड़के हैं उनको रोज़गार 10 किलोमीटर के एरिया में दिया जाए। ये जो लोगों ने आपकी अपना मूड बना लिया, वो दो ही पार्टियों को अभी तक वोट देते आए हैं, कांग्रेस या बीजेपी। उन लोगों ने जो काम यहाँ करने चाहिए थे जगाधरी विधानसभा में वो नहीं किए। उन दोनों लोगों से परेशान है कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा। और अब की जहाँ भी हम 36 बिरादरी में मैं जा रहा हूँ, और पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, और सीट भी हम यहाँ से 101% जीतेंगे। आपको बता दें कि जगाधरी सीट पर बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के लिए दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी भी मैदान में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।